माई, हम लाख बार तोसे कहनी कि ट्विंकल हमरा से प्यार करेली, और तौर दहेज में हमनी के राशन के दुकान भी मिल जायत, हमनी के ब्याह करा दे तू तो, लेकिन ना तोहके तो पेट्रोल पंप लौकत रहे, लाख रुपया महीना हाथ में बिछलात रहे, और तू मधु से हमार जबरदस्ती ब्याह करा दे लू। हाँ तो हमरा के का एक नॉलेज रहे बेटा कि हमरा साथे स्टैम्प हुई। स्टैम्प ना मम्मी, स्कैम। हाँ वे, हम तो ये अंडरस्टैंड कर ले रहनी कि कारगिल के फौजियन पेट्रोल पंप मिला ला, लेकिन हमरा का पता रहे कि हमारा गुआ लोचा में बात फसाई और नून से इनके हमरा घरे का पतोह बनाई। ए माई, हमरा वो छलपटवा अगुआ भेटा जाए नू तो खींच कौन पटिया के नीचे मारम छापा। हाँ, बड़ा लबरा रहे दादा, कुंडली खोले से पहले पेट्रोल पंप के कागज खोल के रख देलस। अब का कहत रहे हो? भाई देखी, पूरा पेपर रेडी बा, जैसे ही मधु के गृह प्रवेश हुई वैसे ही पेट्रोल पंप रहुआ सबके हाथे में, फिर पूरा जीवन प्रभात बाबू के नौकरी करे के जरूरत नहीं खे, लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आई। हाँ तो लक्ष्मी के साथे लक्ष्मी आ गई ना, आज पूरा एक साल चार महीना हो गए हमने के बिया के। मम्मी तुम्हार पूरा लाइफ बर्बाद कर देलू। प्रभात, माई से बात ना करे के। करे दे करे दे, इनका के का पता बा कि आजकल ट्विंकल से जोनी आई लव यू सोना आई लव यू बाबू करता रहा ना, इकुल हमरे सेटिंग करावल है। पर माई ट्विंकल के पापा कहा तारन कि जब तक हमनी के डिवोर्स ना होई तब तक वो हमनी के ब्याह ना करे हैं। डू नॉट भरी बेटा, कितनी बार समझाएंगे, यू डू नॉट भेरी। आज तक कोर्ट में डिवोर्स खोइए के रही। अरे माई, डिवोर्स ना डाइवोर्स। अरे फिर ओकरा बाद अपना सुपर बेटा का सुपर पतो लेके आई, बता देता नहीं। हाँ। All set. अदालत में आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, जैसा कि मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों ने इसी अदालत में पिछली दफा बताया था कि मधु जी उनके परिवार के बहू बनने के काबिल ही नहीं है, ये बात उनके परिवार वालों ने भी स्वीकार की है, लेकिन ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मधु की खामोशी को मेरे काबिल दोस्त ने कैसे कबूलनामा मान लिया? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, यू सिट, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। योर ऑनर, केस बिल्कुल साफ है। छह महीने पहले मेरे मुवक्किल प्रभात और मधु जी ने डाइवोर्स फाइल किया था, जो छह महीने की अवधि आज समाप्त होती है, तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बिना अदालत का वक्त जाया किए मधु जी को ये हुक्म दे कि तलाक नामे पर हस्ताक्षर करें, जिससे हमारी मुवक्किल मनोरमा देवी अपने बेटे की दूसरी शादी कराकर बहु सुख का लाभ उठा सके। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब मधु एक अच्छी बहू के लायक थी ही नहीं तो इन लोगों ने शादी ही क्यों करवाई? योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि शादी विवाह एक पारिवारिक गठजोड़ होती है, परिवार के मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी बातें छुपा ली जाती है। योर ऑनर, इस केस में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, पर जब मधु जी शादी करके प्रभात के घर पर आई तो धीरे धीरे उनका रंग खुलता गया और उनका असली चेहरा सामने आया, जिससे पता चला कि वो घर में रहने के लायक ही नहीं है। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से ये भी पूछना चाहता हूँ कि एक लायक बहू का क्या मापदंड होता है? मिलॉर्ड, इस केस में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि मेरी मुवक्किल मधु को खाना बनाना नहीं आता है, या सास के पैर दबाने नहीं आते हैं, या फिर सब्जी में नमक कम डालती है। ऑर्डर, ऑर्डर, यू मे प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड, आप खुद एक महिला है और भली बात ही जानती हैं कि बहुओं का नमक ही पहला दुश्मन होता है जो घर में अशांति फैलाता है। ये तलाक का एक ही कारण है, ये लोग दहेज के लालची है। ए वकील साहब, अरे रुवक कितना झूठ बोलता नहीं महाराज, कौन चीज का कमी बा हमारा पास? हां, घर द्वार, खेत कियारी, अरे 5 लाख का ट्रैक्टर दुआरी पर हुमच के बनने बाड़ी, अरे रुवक कहता नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मनोरमा जी, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं है, आपको जो भी बातें बोलनी है कटघरे में आके बोलिए। नॉट, नॉट। अरे भाई, ओके। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मधु जी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं कसम खाती हूँ, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मधु जी, ये अदालत जानना चाहती है कि आपके ससुराल वाले क्या आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं? नहीं सर। सच बोलिए, झूठ नहीं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मधु जी को गुमराह कर उनसे सच से झूठ बुलवाना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, बैठ जाइए, यू मे प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, आप देख रही है ना, मधु आज भी इस परिवार को अपना परिवार समझती है, समाज में सम्मान देती है, तो क्या इस परिवार को मधु को सम्मान देने की जरूरत नहीं है? योर ऑनर, महज सम्मान देने से ही किसी के नेचर का पता नहीं चलता है। अगर मधु को उस घर में बहू का दर्जा चाहिए तो मनोरमा देवी को भी सास का सुख और हक देना ही पड़ेगा। अरे ये जजो बैठो, अरे का हमरा के सुख दे ही, अरे महीना में 32 दिन अपन नहरे में रहले, अरे तू को बिटिया ना रहती ना मैडम, तो हम तो बिन खैले मर जाए। अरे एकरे कुत्तन हमार 5 किलो वजन कम हो गई। ऑर्डर ऑर्डर, मनोरमा जी आपको पहले ही बताया गया है, ये कोर्ट है, आपको जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। I am fine. You may proceed. Thank you, milord. Milord, जब एक इंसान की दूसरे इंसान से नहीं बनती है और वो नाखुश रहते हैं तो दोनों में से किसी की भी गलती हो सकती है, लेकिन जब एक इंसान से अनेक इंसान नाखुश हो तो वो एक इंसान ही गलत होता है, जैसा कि इस केस में मधु जी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मधु जी की परिवार में किसी से नहीं बनती है। पति उनको पत्नी मानने को तैयार नहीं है, सास उनको बहू मानने को तैयार नहीं है, ननद उनको भाभी तक मानने को तैयार नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि मधु जी का व्यवहार उस परिवार के प्रति बहुत ही गलत है। तो मैं अदालत से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि बिना देरी किए हुए मेरे मुवक्किल प्रभात और उनके परिवार वालों को न्याय दिया जाए। माय लॉर्ड, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मधु जी गलत है, इनका व्यवहार भी गलत है, पर आप भी एक महिला है और आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक महिला जब नई जगह पे जाती है तो वहां के लोगों की पसंद नापसंद, उनके व्यवहार में ढल जाना क्या इतने कम समय में संभव है? मिलॉर्ड, ये परिवार बहुत गरीब है और आप खुद जानती है कि एक औरत का, एक महिला का जब तलाक होता है तो उसका दामन दागदार हो जाता है। ये आप अच्छी तरह से समझती है। क्या मधु को थोड़ा सा और वक्त नहीं मिलना चाहिए? आप दोनों लोग बैठ जाइए। मधु जी, आप भी बैठ जाइए। अदालत हमेशा सबूतों और गवाहों के आधार पर ही निर्णय लेता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और एक महिला होने के नाते तलाक होने का दर्द क्या होता है ये बखूबी समझती हूँ, इसलिए मधु को एक महीने का और वक्त दिया जाता है। अगर इस एक महीने के दौरान अगर मधु अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है तब तो ठीक है, वरना तलाक नामे पर हस्ताक्षर करेंगी। कोर्ट मधु के पति को ये आदेश देता है कि वो मधु को सम्मान पूर्वक अपने घर ले जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। हेलो हेलो मम्मी जी, का भेल कोर्ट में? क्यों मोर फोन काहे नहीं उठावत? और कोर्ट के फैसला का रहे? अरे बिटिया, कोर्ट के आदेश के हिसाब से उकल मुही ना हमने के संगे एक महीना और हमारे घरे में रही। ओह माय गॉड, एक महीना और? अरे हमार बेटा को होके वाली सोना पतो। टेंशन ना मत मम्मी जी, काहे ना टेंशन ली? हमार होखे वाला पति के साथ हमार सौतन रही तो हमके काहे ना टेंशन होई? अरे डार्लिंग,
वन मंथ के बात है ना। अरे हमनी के ओकरा के इतना टर्बुल देवल जाई, इतना टर्बुल देवल जाई ना कि वन मंथ का 15 डे में भाग के हमरे बेटा के डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दे। ओकरा बाद अपना होके वाली पतो के बैंड बाजा बजा के पैकिंग करे आई। बाय, थैंक यू। अरे मनोर माँ, कुछ तो लिहाज कर, अभी पतो आई लगी ओके भेजे के बात करे लगलू। कातनी लिहाज करी जी, हाँ चुपचाप बैठी अना तो अपन बेटा बेटी दमाद लेके हाउस लीव कर दे, अना तो ओल्ड मदर के लेके चुपचाप सिटिंग करा। ये जा पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।